हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जैव रसायन अध्याय 10, ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। हमने पढ़ चुके थे हम पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसमें एम्यून अम्ल भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के जैविक महत्व, क्योंकि देखिए हर किसी न किसी चीज़ का अपनी अपनी जगह एक महत्व होता है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रोटीन का भी एक महत्व है, जिसमें सबसे पहला जो महत्व है वो है कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव। देखिए कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव की मैंने पहले भी आप लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी थी, और एक बार फिर से मैं दे देना चाहता हूँ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन से ही हमारी जो त्वचा है, नाखून हैं, बाल हैं वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई जो पेशियाँ हैं वो सभी हमारे प्रोटीन से मिल करके बनी हुई रहती है। तो सबसे पहला है कोशिकाओं के रचनात्मक। प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना में विशेष हैं, जैसे बाल, नाखून आदि केराटिन नामक प्रोटीन से बने हुए हैं। दोस्तों अगर यदि पूछ लिया जाए कि जो बाल नाखून वगैरह जो हैं ये किस प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि केराटिन नामक प्रोटीन से मिलकर के ये बने हुए रहते हैं। केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं संयोजी ऊतकों में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। अगर यदि आप सब लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि संयोजी ऊतक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, कोलेजन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तथा मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियों से क्या गया, मांस है, मायोसिन इसका नाम आ जाता है, नामक प्रोटीन इसमें मिलता है। दूसरा है इसमें एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक के रूप में। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है। उत्प्रेरक के बारे में आप लोग बता देना चाहता हूँ कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि रेट ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए कि अपन इन्हें रसायन की भाषा में अपन इनको उत्प्रेरक कहते हैं, बट आप लोग इन्हें बायोलॉजी की भाषाओं में एंजाइम कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी मिलेगा वो उत्प्रेरक तो कहेंगे कहेंगे, बट इसे हम बायोलॉजी की भाषा में एंजाइम कहते हैं। तो ये सजीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी लेते हैं, मतलब सजीवों में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनको ये संपन्न करते हैं। तीसरा है अपने हार्मोन के रूप में। अब आप लोग सोचेंगे कि हार्मोन के रूप में क्या काम में आते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर से विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, और इन विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के रस हमारे स्रावित होते हैं, तो उनके अंदर भी ये उन्हें स्रावित करने में भी काम में आता है, या उन्हें बनाने के काम में भी आता है। तो सबसे पहले देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन जैसे अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, थायराइड्स ग्रंथि से थायरोक्सिन आदि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं हमारे, ये भी किससे बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन से मिलकर के बने हुए रहते हैं। ऑक्सीजन वाहक के रूप में, जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे, जो लाल रक्त कणिकाओं में मिलता है, और लाल रक्त कणिकाओं का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब इससे ऑक्सीजन बंद बनाती है, और ऑक्सीजन बंद बना करके जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उन ऊतकों तक ये ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं। शरीर की सुरक्षा के रूप में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को ये मारने के काम में आते हैं। हल्के फुल्के सूक्ष्म जीवों को मारते हैं दोस्तों, ये जो बड़े और ज़्यादा हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उन्हें नहीं मारते। तो इन एंटीबॉडीज़ को बाहर से भी हमारे शरीर में डाला जाता है, जो सारे एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से मिलकर के बने हुए रहते हैं, इन्हें मतलब संश्लेषित किया जाता है, प्रोटीन से ही बनाया जाता है। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत कार्य के लिए, जैसे कि आप लोग दोस्तों आप लोग देखते हो कि यदि किसी के चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर उसके घाव भरते हैं, तो घाव भरने के लिए भी हमारे प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि घाव किस में बनते हैं, मांसपेशियों में। मांसपेशियों में हमारे क्या आ जाती है, त्वचा भी आ जाती है और मांस भी आ जाता है। तो इसके फटने से क्या नाम से, ये आप लोगों को पता है कि प्रोटीन से मिलकर के बनाते, तो प्रोटीन ही इसको आप लोगों के जोड़ने के या इसे भरने के काम में भी आता है। आगे देखिए एंजाइम। एंजाइम जो है, सर्वप्रथम एंजाइम खमीर से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, और इसको हम एंजाइम भी कहते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है, इसमें ई एन का अर्थ होता है आई एन, तथा जाइम का अर्थ होता है यीस्ट होता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, यीस्ट या खमीर इसे कहते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। लगभग अब तक हमारे 3000 एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। इनमें से 300 एंजाइम ही व्यापारिक जो उत्पादन होता है उसके काम, मतलब व्यापारिक उत्पादन का मतलब डेयरी उद्योगों में ये काम में आता है। अब
आता है एंजाइम का वर्गीकरण। इन्हें 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहला जो वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेस जेज, ऑक्सीडो रिडक्टेसेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसेज जो हैं ये देखिए दोस्तों जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेसेज आप लोग एंजाइम है ये जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, अब ये प्रश्न उठता है। ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऑक्सीजन का तो जुड़ना और अपचयन होता है इसमें ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीकरण को इस तरीके से समझते हो कि हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना आप लोगों के अपचयन कहलाता है। दूसरा आप लोगों के एंजाइम आता है ट्रांसफरेसेज। ट्रांसफरेसेज ट्रांसफरेसेज का मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे मैं मान लेता हूँ ए बी में से मैं बी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और सी डी में से मैं सी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे, तो उसके लिए आप लोगों के ट्रांसफरेसेज एंजाइम काम में आता है। इसमें ए सी और बी डी के अंदर ये आप लोगों की क्या हो जाती है, इंटर कन्वर्जन हो जाने वाला अंतर परिवर्तन इनके अंदर हो जाता है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है अपने जल, तो मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अपघटन। तो जल अपघटन जो होगा तो ए और बी ये आप लोगों के जल के साथ में अभिक्रिया करके ए ओ एच और एच बी बनाते हैं। आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये चीज़ देखिए कि जब हमारे जो जल होता है क्या होता है, हमारे जल है जो हमारे जल होता है इसका जल का अपघटन किया जाता है। तो ये एच ओ एच यदि ये जल का सूत्र होता है अपने, अगर यदि इसे अपघटन अपघटित करेंगे तोड़ेंगे तो एच प्लस और ओ एच माइनस के अंदर ये दोस्तों क्या होता है टूटता है। एच प्लस और ओ एच माइनस में ये टूटेगा, मतलब ओ एच जो है हमारे ये विद्युत ऋणी तत्व होता है और एच प्लस जो होता है हमारे क्या होता है विद्युत धनी तत्व होता है। इसी प्रकार से हमारे क्या नाम से एच ए बी जो होगा यहाँ पे ए बी का भी अपघटन होगा, तो ए बी का भी अपघटन कैसे होगा कि ए प्लस और बी माइनस के रूप में ये क्या होंगे अपघटित होंगे, जो क्या नाम से आप लोगों के जो ए है ये तो क्या होगा आप लोगों के जो ऋणायन है मतलब ए प्लस जो है वो ओ एच से जाकर के जुड़ेगा ओ एच माइनस, क्योंकि जिसके पास में इलेक्ट्रो ओ एच के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसको देगा ए को देगा, और इससे ए ओ एच इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो इससे ये बंद बना लेता है। इसी प्रकार से आप लोगों के एच प्लस है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस बी माइनस है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा हाइड्रोजन को देगा और ये एच बी का निर्माण आप लोगों के कर देगा। ठीक है, तो आगे देखिए जो लाइसेज एंजाइम है, लाइसेज एंजाइम क्या करता है कि किसी पदार्थ के समूह को हटाता है। किसी पदार्थ के समूह को हटाने का मतलब यदि मान लीजिए अपने कोई अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से मिलती है और हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद में जब उसे हमारे के नाम से फेफड़ों के अंदर पहुंचाया जाता है, तो फेफड़ों के अंदर क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन से जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड लगी हुई रहती है उसको ये तोड़ने का काम करता है और इसकी जगह ऑक्सीजन को ये जोड़ने का काम करता है। तो ये आप लोगों के लाइसेज एंजाइम का कार्य होता है। इसी प्रकार से आइसोमरेजेज जो एंजाइम है ये समावयवीकरण अभिक्रियाएं इसमें दर्शाता है। लाइगेजेज जो एंजाइम है ये एटीपी के साथ में क्या करता है संयुक्त अभिक्रिया देता है। संयुक्त अभिक्रिया का मतलब इसके साथ में जुड़ करके अभिक्रिया देता है। अब देखिए दोस्तों कुछ एंजाइमों के जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं। एक जो एंजाइम है क्या क्या काम में आते हैं आप लोगों के हमारे शरीर में क्या क्या काम में आते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो एंजाइम दिया हुआ है, एक आप लोगों के यहाँ पे एक तो एंजाइम दिया हुआ है, उत्पाद स्थान दिया हुआ है मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्रियाधार दिया हुआ है मतलब ये किससे क्रिया करते हैं, और उत्पाद मतलब एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। एंजाइम को अपन ई से प्रदर्शित करते हैं और क्रियाधार को अपन एस सब्सट्रेट से अपन इसे प्रदर्शित करते हैं। आगे इसकी अभिक्रिया आएगी तो अभी मैं यहीं समझा देता हूँ इस चीज़ को। आगे देखिए टाइलिन जो एंजाइम है ये मुंह के लार के अंदर अपने पाया जाता है, जो जो क्या नाम से पॉलीसेकेराइड को माल्टोज के अंदर बदलने के काम में आता है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है या हमारे मुंह के लार में कौन सा एंजाइम मिलता है, तो क्या दोस्तों इसका आंसर क्या है टाइलिन नामक एंजाइम इसमें मिलता है। आगे देखिए माल्टेज जो है आप लोगों के आंत्ररस के अंदर मिलता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है,
तो इसके अंदर बदलने का काम में आता है। एमाइलोप्सिन जो है वो आप लोगों के अग्नाशयी रस के अंदर मिलता है, तो जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोस के अंदर बदलने का काम करता है। पेप्सिन जो एंजाइम है ये उधर उधर का मतलब अपने जो आमाशय है उसके अंदर एक जठर रस पाया जाता है उसके अंदर ये पाया जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशयी रस में आप लोगों को मिलता है, जो प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है। आगे देखिए लाइपेज जो है ये भी उदर रस के अंदर हमारे मिलता है, ठीक है, उदर रस के अंदर ये मिलेगा, ये वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलने के काम में आता है। डीएनए और आरएनए ये आंत में मिलते हैं, और डीएनए आरएनए आप लोगों के ओलिगोसेकेराइड तथा मोनोसेकेराइड में बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए एंजाइम के गुणधर्म, और देखिएगा हर एक चीज़ का गुण होता है, तो यहाँ पे एंजाइम का भी आप लोगों के गुण मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या गुण है एंजाइम के, देखिए दोस्तों सबसे पहले ये कैसे होते हैं दोस्तों, रंगहीन होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है, जैसे लाल काला पीला ऐसे कोई कलर इनके अंदर नहीं मिलेंगे। ये ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस का मतलब ये सॉलिड होते हैं, तथा जल व तनु लवणों के अंदर ये विलयन होते हैं या विलय ये उसमें हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, ठीक है। आण्विक द्रव्यमान जो इनका होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इनका आण्विक द्रव्यमान होता है, मतलब ये इनका अणु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जैसे हज़ारों के अंदर इनका अणु का द्रव्यमान होता है। इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कोलाइडी होती है। अब कोलाइडी का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जैसे आप लोग कोहरा देखते हो, ये क्या है, ये कोलाइड है, कि आप लोगों का जो कोलाइड कोलाइड होता है, जो कोहरा कोलाइड किसका कोलाइड माना जाता है, कि ठोस में द्रव का कोलाइड आप लोगों के माना जाता है, तो इस तरीके का ये कोलाइड होता है। ये शारीरिक ताप, जो शरीर का ताप जो होता है, हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री, आजकल 37 माना जाता है, वैसे 36 डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने ताप माना जाता है, तो इस ताप पर ये क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। और जो पीएच होती है वो पी उस 6 से 8 पीएच तक ये काम करता है, इसके बाद में थोड़ा सा ये अपने पद से विचलित हो जाता है। इस प्रकार का एंजाइम एक विशिष्ट क्रियाधार को ही उत्प्रेरित करता है। अब यहाँ पे बात आती है विशिष्ट क्रियाधार का मतलब क्या है, कि एक पर्टिकुलर एंजाइम विशिष्ट क्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा, बाकी और किसी के ये काम में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए इनकी सक्रियता कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित या कम की जाती है, मतलब हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ बनाई जाती है, तो इसी प्रकार से इनका जो कंट्रोल होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के इनका कंट्रोल किया जाता है। इनकी अत्यंत कम मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इनकी कम मात्रा, कम मात्रा का मतलब ये है बहुत सूक्ष्म मात्रा ही, जैसे आप लोग किसी अभिक्रिया को कर रहे हों और अभिक्रिया टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो वहाँ आप लोग 1 ग्राम यदि आप लोग उत्प्रेरक डालेंगे तो वो बेवकूफ़ बनती है, सिर्फ वहाँ पे चुटकी भर छोटा बहुत छोटा अमाउंट में आप लोगों के उत्प्रेरक काम में आता है, उस अभिक्रिया के वेग को वो बढ़ाता है। अब कितना बढ़ाता है दोस्तों, देखिएगा कि अभिक्रिया को वेग को ये 10 की घात 30 गुना, 10 की घात 30 गुना, मतलब यदि मान लीजिए कोई यहाँ से जयपुर 1 घंटे में पहुँचता है, ठीक है, तो 1 घंटे में पहुँचेगा तो उस जगह वो 1 सेकंड में ही क्या हो जाएगा, आप लोग के जयपुर पहुँच सकता है। आगे देखिए एंजाइम की क्रियाविधि, देखिए आगे आ गई है, मैंने आप लोगों से इसकी बात की थी पहले भी, अब क्रियाविधि क्या है, तो देखिए एंजाइम तथा सब्सट्रेट, मैंने एंजाइम का आप लोगों को ई बताया था और सब्सट्रेट का मैंने आप लोगों को एस बताया था। सब्सट्रेट को अपन क्या कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं, ये दोनों ही जब अभिक्रिया करते हैं तो एक संकुल का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट संकुल अपन उसे कहते हैं, जो आप लोगों के ये है, ठीक है। आगे देखिए संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन, मध्यवर्ती जो आई जो होता है इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को संपन्न करने के लिए कोई किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है या एक बीच वाले माध्यम की जरूरत होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, तो ये ई इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं। एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद संकुल का मतलब एंजाइम और आप लोगों के जो उत्पाद है ये दोनों संयुक्त रूप में आप लोगों को मिलते हैं, और फिर बाद में ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हम प्रोडक्ट इससे अलग कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद जिसे हम इससे अलग कर सकते हैं, और अपन इससे एंजाइम भी अलग कर सकते हैं, मतलब हमने जितना एंजाइम इसमें डाला था वो एंजाइम हमें दोबारा मिल जाता है। आगे देखिए
मैंने जैसे बात की थी कि एंजाइम को अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, सब्सट्रेट को अपन एस से प्रदर्शित करते हैं। ई एस एंजाइम सब्सट्रेट संकुल कहलाता है। ई आई जो है वो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल कहलाता है, इंटरमीडिएट जिसे अपन कहते हैं। ई पी आप लोगों के एंजाइम उत्पाद कहलाता है। एंजाइम की उपयोगिता, अब एंजाइम हमारे क्या क्या काम में आता है, क्या उपयोगी है वो देखिए। अब आप एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। किसके अंदर होते हैं? पाचन क्रिया में। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में उपयोग में लिए जाते हैं। एंजाइम को रोगों की रोकथाम में, तो क्योंकि देखिए दोस्तों आजकल रोग विशेष विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन रोगों को रोकने के लिए हमारे एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से देखिए हृदय रोगों के उपचार में स्ट्रेप्टोकाइनेस जो एंजाइम है को रक्त रक्त के जो थक्का जो होता है, थक्का यहाँ पे रक्त का थक्का लिखना मैं भूल गया, तो रक्त का थक्का जो होता है उसको उसको ये घोलने के काम में आता है, मतलब उसको ये विलय कर देता है, मतलब उसको हटाने के काम में आता है। इन्हें उद्योगों में मदिरा, मदिरा का मतलब आप लोग समझते हैं शराब वगैरह। हाँ बिल्कुल ठीक है, शराब वगैरह बनाने में काम आते हैं, ये वाइन बनाने के काम में आते हैं, विस्की बनाने के काम में आते हैं। चमड़ा तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, चमड़ा और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मतलब उनके परिरक्षित करने के, जैसे उनके जीवाणु उत्पन्न हो उनमें, उनको अधिक समय तक अपन रख सकें, जैसे बेल्ट वगैरह बनती हैं हमारे इनसे, चमड़े से बहुत सारी चीज़ बनती है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए भी ये काम में आता है। आगे देखिए न्यूक्लिक, जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल क्या करते हैं, समस्त जीवों में प्रोस्टेटिक समूह के रूप में, कौन से समूह के रूप में मिलते हैं, ये प्रोस्टेटिक समूह के रूप में ये पाए जाते हैं। कोशिकाओं के गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट धारण करने वाले जो जीन हैं वो न्यूक्लिक अम्लों से बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं दोस्तों? ये न्यूक्लिक अम्लों के बने हुए होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, विभिन्न कोशिकाओं में जो प्रोटीन है ये क्या नाम से हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भी न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो भागीदारी निभाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। आरएनए का नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसे अपन अम्ल भी कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो देखिए आर से आप लोगों को बनता है राइबोस, एन से आप लोगों को बनता है न्यूक्लिक, और ए से आप लोगों को बनता है एसिडिसबंधी में अम्ल कहते हैं। डी एन ए जो है डी से आप लोगों को बनता है डी ऑक्सी राइबोस, एन से आप लोगों को बनता है न्यूक्लिक, और ए से आप लोगों को बनता है अम्ल। तो ये इस तरीके से इनकी ये पूरी फुल फॉर्म जिसे अपन कहते हैं वो बनती है। आगे देखिए जो डीएनए होता है वो दोस्तों केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। ज़्यादातर जो डीएनए है उसका पाए जाने का स्थान क्या है, केंद्रक है। ये क्या नाम से कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये थोड़ा बहुत मात्रा में कभी कभी मिलता है। आरएनए जो है ये ज़्यादातर कोशिका द्रव्य में ही मिलता है और अल्प मात्रा में ही कभी कभी केंद्रक में भी मिल जाता है। आगे देखिए रासायनिक संगठन, अब इस चीज़ में रासायनिक संगठन क्या है कि कितना इनका संगठन होगा, क्या क्या होंगे, तो देखिए न्यूक्लिक अम्लों का मंद जल अपघटन करा अपन, क्या इसका मंद जल अपघटन है, मतलब वो थोड़ा जल अपघटन कराने पर न्यूक्लियोटाइड हमें ये देते हैं। इनका वापस से जल अपघटन कराओगे तो ये हमने न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल जो ये हमारे बनाते हैं। तो दोस्तों वापस से मैं बताता हूँ, न्यूक्लिक अम्लों का जब मंद अपघटन करोगे तो अपने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का वापस से जल अपघटन करोगे तो इनमें न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल जो ये है बनाते हैं। अकार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में, अकार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन कराने पर शर्करा व कार्बनिक क्षार प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? शर्करा और कार्बनिक क्षार इसमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक में मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाने पर पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, और न्यूक्लियोटाइड है इसका जल अपघटन करवाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड और आप लोगों के फास्फोरिक अम्ल जो है इसका यहाँ निर्माण होता है। और न्यूक्लियोसाइड है इसका जल अपघटन वापस से कराओगे तो अपने कुछ क्या मिलेगी, शर्करा, और शर्करा स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है, और कार्बनिक क्षार का निर्माण अपने इससे होता है। न्यूक्लिक अम्लों के अवयव, अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्लों के अवयव की। अब अवयव जो हैं
वो इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है वो अवयव कहलाती हैं। तो सबसे पहले आती है दोस्तों इसमें शर्करा। शर्करा का मतलब मीठा होना या मीठा पदार्थ। वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो इसमें जो होते हैं दो प्रकार की शर्कराएँ होती है। एक तो इसमें होती है डी राइबोस शर्करा और एक होती है आप लोगों के डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, जिसे अपन DNA और RNA भी अपन इन्हें कहते हैं। जिन शर्करा न्यूक्लिक अम्लों में राइबोस पाई जाती है, क्या पाई जाती है, राइबोस पाई जाती है, उन्हें राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे अपन RNA कहते हैं। ठीक है, जिनमें 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। 2D ऑक्सी राइबोस का मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं, DNA से कहा जाता है। दोस्तों मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि अपने जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं में दो प्रकार की शर्कराएँ होती है। एक तो डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और एक एक डी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। जिन शर्कराओं में न्यूक्लिक अम्लों में राइबोस पाया जाता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिससे अपन क्या कहते हैं, RNA कहते हैं। और जिसके अंदर आप लोगों के जिनमें 2D ऑक्सी राइबोस शर्करा मिलती है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, DNA अपन उसे कहते हैं। कार्बनिक क्षार, अब कार्बनिक क्षार जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक बेस अपन इन्हें कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार के कार्बनिक क्षार हमारे पाए जाते हैं। एक तो प्यूरिन आप लोगों के हमारे पाया जाता है और एक दोस्तों पिरिडिन हमारे पाया जाता है। अब प्यूरिन क्षार है, प्यूरिन क्षार में एडिनिन जिसे अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तथा पिरिडिन क्षार में, पिरिडिन जो क्षार है आप लोगों के इसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जिसे अपन कहते हैं, यू कहते हैं, ये अपने पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों DNA में कौन कौन से ये क्षार पाए जाएंगे। DNA में एडिनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन आप लोगों के पाए जाते हैं। RNA जो होते हैं इसमें साइटोसिन व यूरेसिल और एडिनिन व ग्वानिन में क्षार इनमें पाए जाते हैं। आगे देखिए न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड देखिए एक क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब एक तो क्षार और एक शर्करा, एक तो क्षार और एक शर्करा से किसका निर्माण होता है, हमारे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल के संयोग से बनी इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब क्षार शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के संयोग से। अब क्षार शर्करा का मतलब अपने एक तो क्षार एक शर्करा और साथ में हमारे फास्फोरिक अम्ल यदि उसके साथ मिल जाए तो हमारे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण इसमें होता है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, देखिए कि एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का C1, पिरिडिन के नाइट्रोजन N1 के साथ में तथा प्यूरिन के नाइट्रोजन N9 के साथ में जुड़ा रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पे आप लोग इसमें डायग्राम नहीं दिए हैं पर इसमें एक सिरे होते हैं, कार्बन फर्स्ट होता है, ये नाइट्रोजन 9 होता है तो एक और एक नाइट्रोजन 1 होता है, तो इनके साथ में ये जुड़े हुए इसमें रहते हैं। RNA तथा DNA में प्रत्येक में चार चार विभिन्न प्रकार के, मतलब RNA में भी चार, DNA में भी चार प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमारे, न्यूक्लियोसाइड हमारे पाए जाते हैं। जैसे राइबोस तथा एडिनिन के संयोजन से बने न्यूक्लिकोसाइड को और एडेनोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एडेनोसिन क्या है, अब हमारे इसमें लिखना है कि राइबोस तथा एडेनिन के संयोग से बने न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडेनोसिन हम इन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आप लोगों के क्या होते हैं कि फास्फोरिक जो अम्ल है शर्करा के, फास्फोरिक जो अम्ल है वो शर्करा के C5- सिरे से जुड़ा हुआ रहता है अथवा C3 से संलग्न हो सकता है। मतलब C5- सिरे सिरा है उससे और C- सिरा है उससे भी ये जुड़े हुए रहते हैं। राइबोस शर्करा में फास्फोरिक अम्ल C2- सिरे से भी संलग्न हो सकते हैं। शर्करा में फास्फेट समूहों के संलग्न स्थान के अनुसार ही इन न्यूक्लियोटाइड को क्रमशः, मतलब संलग्न स्थान का मतलब जहाँ जहाँ ये जुड़ते हैं तो उनके आधार पर इनको नाम दिया गया है। जो क्या नाम दिया गया है न्यूक्लियोटाइड्स को, 5-P-OH इनको नाम दिया गया है अथवा 3-PHOH न्यूक्लियोटाइड इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे AMP आप लोगों के आता है, तो AMP का जो क्या नाम है इसके फुल फॉर्म पूछ सकता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये पूछा जा सकता है, शायद एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि AMP का फुल पूरा नाम क्या है, कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका पूरा नाम हो जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ
परस्पर फास्फोडाई एस्टर बंधों द्वारा। अब कौन से बंध इसमें मिलते हैं? फास्फोडाई एस्टर, एस्टर का मतलब इसमें एक एस्टर जो है उसमें संलग्न होता है, इसलिए अपन इसे कहते हैं फास्फोडाई एस्टर। डाई का मतलब दो एस्टर ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे। बंधों द्वारा संयुक्त तो होकर बहुलक श्रृंखला या पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। इन श्रृंखलाओं में दो न्यूक्लियोटाइड परस्पर शर्करा के, अब कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं देखिए इसमें, परस्पर एक श्रृंखला ग्रुप, जैसे ये एक क्या होगी श्रृंखला, एक दो, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे एक दूसरे के साथ में परस्पर इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। तो मतलब शर्करा के C5 डेज तथा C3 डेज के द्वारा फास्फोडाई एस्टर बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अतः C5 डेज पर फास्फेट तथा C3 डेज पर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं आप लोग इसमें श्रृंखला है, ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम बताएं, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ दिया हुआ है कि क्या नाम से आप लोग, ये तो क्या है 5 डेज ही रहा है, इसके साथ में तो आप लोगों का क्या है फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप लोगों के एक 3 डेज सिरा है, इसके साथ में भी आप लोगों के एक क्या जुड़ा हुआ है, एक आप लोगों के जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि 3 डेज पर पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड आप लोगों के यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड आप लोग के सीधे सिरे पे जुड़े हुए रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज के लिए आपसे जाने की इच्छा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम उसमें DNA RNA के अंतर से हम वहाँ पे आप लोग अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।